निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी कि वे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए, उनको लोगों की ताकत का पता चल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के विवाद को लेकर पिछले महीने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई नवनीत राणा को हाल में जमानत मिली है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि मुंबई के लोग और भगवान राम नगर निकाय चुनावों में शिवसेना को सबक सिखाएंगे। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने मई 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद नवम्बर 2019 में मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वह राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 4 मई को दंपति को कोर्ट ने सशर्त बेल दी थी। इनमें एक शर्त ये भी थी कि दंपति मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन नवनीत ने मीडिया से बातचीत की। चर्चा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवनीत और रवि के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है, मैंने काम कर अगर गुना है और उसके लिए मुझे 13 सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर हमने 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो अत्याचार मुझ पर हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी और डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक, चूंकि उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है। शी शुड गेट चेक 27 से लेकर 4 तारीख अभी भी फोन नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी। 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज किया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, ठाकरे जी को भी बोलना चाहूँगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुनके आना, जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी। और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाई दो। महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपकी हमारी कॉर्पोरेशन में मैं ताकत से बाहर निकलूंगी और इनका इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।